कि हम किसी के सम्मान में उपस्थित हैं। हाँ जी, एक बार यदि कम करना चाहोगे तो सहवास साथी खिलाड़ी भी उसका स्वागत कर रहे हैं। सहवास सहवास, आओ जी आओ। ये ले लो, दो चीज के लिए आप लेकर आए हुए हो, आप अधिक रूप से वो स्वागत कर रहे हैं। ये बात लो, शाबाश। दादा और दोस्त दादी दोनों साथ खड़े हैं, कितनी खुशी होती होगी। कई बार मैं कहता हूँ ना कि तीन नहीं पांच पीढ़ियां चेंज होती हैं। दादा दादी है, माता पिता है, स्वयं है और इनके बच्चों पर, उनके पोत्र पर भी। राजेश जी है, इसके पिताजी है और माता जी साथ में, कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे आज। ही आपकी तालियां। प्रदर्शन किया है, मेहनत करवाई है तो उनके दादाजी हमारे ओम प्रकाश जी, जो यहाँ के स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी हैं, बी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। ये देवेंद्र जी हरियाणा डिपार्टमेंट से यहाँ पर लगभग सभी गेमों के लिए प्रताप स्कूल की तरफ से प्रतिनिधित्व करते रहते हैं, हर समय वो पल होते हैं। दादाजी उधर से आ जाएंगे ना जी। रामवीर जी को बुला रहे हैं। रामवीर जी हमारे नवीन गुलिया जी बहुत ही समर्पित, हरियाणा लेवल की बात करें, भारत लेवल की बात करें तो विनोद गुलिया उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने विनय जी वुशु जूनियर चैंपियनशिप में आज आप प्रताप विद्यालय में पहुंचे हैं ब्रॉन्ज मेडल लेकर के, आपका यहां स्वागत किया गया। आप बताएं कि आपकी सबसे अच्छी बाउट किसके साथ रही और आप किस प्रकार से भारत देश का गौरव बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरी सबसे अच्छी फाइट ईरान के साथ हुई, मेरे तीन राउंड हुए थे, मैं सेकेंड राउंड में अपनी गलती से बाहर निकल गया, वरना मैं दो राउंड में फाइट जीत गया था और थर्ड राउंड में मैं स्कोरिंग में आगे था लेकिन बाहर निकलने की वजह से मार गया था, वरना मैं फर्स्ट आता, गोल्ड मेडल प्राप्त करते। हाँ। तो भविष्य में आप अपनी गलती को सुधार करते हुए हम ये समझ लें कि जो भी आप कंपटीशन में जाएंगे तो भारत देश का गौरव गोल्ड मेडल से बढ़ाएंगे। हाँ। कैसे तैयारी करते हो आप? हम प्रताप स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं, गुलिया कोच साहब है, वहीं प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत अच्छी। कितनी देर प्रैक्टिस करते हो? सुबह शाम, सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे। विशेष डाइट का क्या प्रबंध करते हो आप? डाइट में सुबह ब्रेकफास्ट में अंडे, ब्रेड, दूध, केड़े लेते, फल फ्रूट ज्यादा। और लंच? लंच में दाल, रोटी और सलाद लेते। शाम को? शाम को हफ्ते में 2 दिन चिकन लेते हैं और दिन आप पनीर लेते हैं। तो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेते हो? हाँ। फैट, दूध आदि? ये वेट घटाना पड़ता है, इसके लिए इसकी उपयोग कम लिया जाता है। भविष्य में क्या योजना है? मैं भविष्य में ओलंपिक में मेडल जीतना चाहता हूँ।
और मेडल देश को समर्पित होगा या देश को समर्पित होगा? कब कौन से ओलंपिक में आप गोल्ड मेडल जीतोगे? 2024 में। 2024 की तैयारी है आपकी? हाँ सर। तो उस समय तक आप सीनियर खिलाड़ी हो जाएंगे? हाँ। ओके, तो हम बधाई देना चाहते हैं परमात्मा से प्रार्थना कि आप निश्चित रूप से अपने उद्देश्य में सफल होकर भारत देश का गौरव बढ़ाएंगे। विनोद गुलिया जी, आप प्रताप स्पोर्ट्स क्लब खरखुदा में पिछले लगभग 17 वर्ष से यहाँ पर वुशु की कोचिंग दे रहे हैं, तो आपकी क्या अचीवमेंट हैं? और जैसे विनय ने अभी जूनियर वुशु एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेकर लौटा है, तो आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? और विनय ने ये भी बताया कि उससे थोड़ी सी गलती हुई ईरान के साथ, नहीं तो उसने गोल्ड मेडल जीत कर आना था। सही बात है सर, ये उन्होंने थोड़ी ही गलती कर दी कि वो पीछे हटके थोड़ा हा नीचे गिर गया मैच से, उसी से वो वीक पॉइंट होके वही से मैच पीछे रह गया। और जी स्कूल के लिए तो 17 साल से कोचिंग दे रहे हैं हम, हमारे यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे 118 तो नेशनल मेडलिस्ट है जी, और उसके बाद हमारे 4-5 इंटरनेशनल मोए हैं जिसमें साउथ एशियन, एशियन, वर्ल्ड तीनों कैटेगरी में हमारे बच्चों ने पदक जीते हैं। आज प्रताप स्पोर्ट्स को खिलाड़ी ने तीनों कैटेगरी में पदक जीते हैं, और आज तक मतलब इस कैटेगरी में किसी ने भी पदक नहीं जीते इतने तीनों कैटेगरी। आज हमें बहुत ही खुशी है, विनय कुमार ने जूनियर एशियन चैंपियनशिप में उसमें ब्रॉन्ज मेडल लेकर देश का गौरव बढ़ाया है। इससे पहले वीर प्रताप स्कूल के 5 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। ये विद्यार्थी यहाँ पर निरंतर 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को अभ्यास करते हैं। इनके कोच विनोद गुलिया बहुत ही अच्छे कोच हैं, जो कि विद्यालय में पिछले 17 वर्षों से कोचिंग कर रहे हैं, और उनकी कोचिंग में राष्ट्रीय स्तर पर 114 मेडल खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं। भविष्य में हमें आशा है कि विनय कुमार और दूसरे हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में पदक प्राप्त कर देश का गौरव बढ़ाएंगे, और मैं परमात्मा से कामना करता हूं कि इन खिलाड़ियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और इसी प्रकार ये देश का गौरव बढ़ाते रहें। प्रताप स्कूल निरंतर स्पोर्ट्स गतिविधियों में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जिसके लिए प्रताप स्कूल भी बधाई का पात्र है। धन्यवाद।